दोस्तों, आप सभी का स्टॉकिजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम टॉप फार्मा कंपनीज के बारे में देखने वाले हैं। उन शेयर्स को हम एनालाइज करेंगे कि उन शेयर्स में हम अपना इन्वेस्टमेंट करके उन शेयर से काफ़ी अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। उन शेयर्स को हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, जिसके से हमारा पोर्टफोलियो आपको पॉजिटिव दिखेगा, आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन में रहेगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला शेयर है वो है सन फार्मा। शेयर्स का जो मार्केट कैपिटल है वो काफ़ी बड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 2,824 करोड़ है। और यहीं पे अगर आप इसके कर्ज को देखेंगे कि कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपनी के ऊपर कर्ज है 1,783 करोड़। यानी कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो उसके कर्ज से काफ़ी गुना बड़ा है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग है 54.5%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 6.33% और सेल ग्रोथ यहाँ पे है 13%। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टर्स की देखेंगे कि द इन्वेस्टर्स ने कितनी होल्डिंग की हुई है और फिर द इंस्टीट्यूशनल्स की होल्डिंग है या नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोटर्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो 54.48 है, और यहाँ पे अगर आप FII का इन्वॉल्वमेंट देखेंगे 12% है, और DII का 21%। यानी कि इस शेयर्स में इंस्टीट्यूशनल ने भी अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशनल्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट है या नहीं उस शेयर्स में। नेक्स्ट अगर हम इसके चार्ट को देखेंगे, यहाँ पे सन फार्मा के हम मंथली चार्ट पे हैं। जैसे कि आप मंथली चार्ट पे देख सकते हैं ये शेयर का जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड भी अप ट्रेंड है। यानी कि जिस शेयर्स का ट्रेंड अप ट्रेंड होता है उन शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप मंथली चार्ट पे यहाँ पे देख सकते हैं शेयर अभी ऊपर की ओर जा रहा है, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा कि जब प्राइस में थोड़ा करेक्शन आए या फिर आपको कोई पॉजिटिव इंडिकेशन या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे, तभी शेयर में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप ये यहाँ पे देख सकते हैं जो हॉरिजेंटल ड्राइंग इधर हम लोग ने ड्रॉ किया हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पे किसने इस लाइन को इधर ब्रेक करके ये ऊपर की ओर गया है। प्राइस जब इस लाइन के आसपास आए या प्राइस थोड़ी और नीचे आए, तभी शेयर में आप अपना एक इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा शेयर होगा वो है सिप्ला के आप चार्ट में यहाँ देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैपिटल है 76,185 और इस कंपनी के ऊपर कर्ज है 1,350 करोड़। नेक्स्ट आप इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे 36% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14%, सेल ग्रोथ है इधर 14%। अगर आप इसके स्टॉक PE देखेंगे तो वो है 29.4% है। नेक्स्ट अगर आप इसके चार्ट को यहाँ पे देखेंगे तो इसका चार्ट भी अपसाइड है, यानी कि हमारे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि ये शेयर का जो ट्रेंड है वो अपसाइड है। नेक्स्ट आप इन्वेस्टर्स के इन्वॉल्वमेंट को देखेंगे यहाँ पे, तो इस शेयर्स में भी FII और DII का आप इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका इन्वॉल्वमेंट है। आप देख सकते हैं कि इनका इधर 24.80 का इन्वॉल्वमेंट है, FII का और DII का देखेंगे तो 21 है। यानी कि इंस्टीट्यूशनल को भी शेयर्स में इंटरेस्टेड है वो भी, कि उन्होंने अपना इधर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। नेक्स्ट अगर आप इसके चार्ट को यहाँ पे देखेंगे सिप्ला के, हम इसके मंथली चार्ट पे जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शेयर्स ये जो लाइन हमने इधर हॉरिजेंटल लाइन इधर ड्रॉ की हुई है, आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ 2-3 बार आके फिर रिटर्न नीचे की ओर गई हुई है, फिर इस कैंडल ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया हुआ है बुलिश कैंडल ने, उसके बाद प्राइस रिटर्न ऊपर गई है। जब ये प्राइस आपकी ये लाइन के आसपास आएगी, यानी इस प्राइस के आसपास आएगी 722.15 के आसपास आएगी, तब इस शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो भी अच्छे शेयर्स होते हैं उनको आप अपने वॉच लिस्ट में रख के उनको फॉलो करते रहिए कि सही टाइम पे आप उस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सके। नेक्स्ट जो हमारा शेयर है वो है लुपिन का जो मार्केट कैपिटल है वो है 42,374 और इनके ऊपर कर्ज है 3,551। यानी कि इनके मार्केट कैपिटल से वो कम है, तो आप इस कंपनी को भी कर सकते हैं कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, या फिर कंपनी के ऊपर कर्ज काफ़ी कम है, कंपनी का जो कर्ज है वो उसके मार्केट कैपिटल से ज़्यादा होने पर हमारे लिए एक नेगेटिव मार्किंग होती है। नेक्स्ट इनका सेल ग्रोथ है 7.91%,
इधर प्रमोटर्स की होल्डिंग है 46.8%। अगर आप इधर देखेंगे, इधर इन्वेस्टर्स का अगर इन्वॉल्वमेंट देखना चाहेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि FI का इधर है 15% और जो DI का है यहाँ पे है 24.47। अगर हम इसके चार्ट को यहाँ पे देखेंगे लूपिंग के, तो आप लूपिंग के चार्ट में यहाँ देख सकते हैं, अगर आप इसके मंथली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि ये इसका जो ट्रेंड है शेयर का, इसका ट्रेंड भी अपसाइड है। नेक्स्ट अगर हम इसको अपने डेली चार्ट पे आएंगे तो आप डेली चार्ट पे देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारे लिए बाइंग की पोजीशन बन रही है, तो आप यहाँ पे एक बाइंग अपनी बना सकते हैं, एक अपने लिए लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हैं। जो हमारी एंट्री होगी वो रहेगी 929.15, स्टॉप लॉस रहेगा 853.85 और हमारा जो टारगेट रहेगा 1079.50, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। अगर आप ये शेयर में एंट्री लेते हैं, अगर आपको पोजीशन मिल जाती है तो आप अपने स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रिक्ट रहिए। नेक्स्ट जो हमारा शेयर है वो है बायोकॉन। बायोकॉन का जो मार्केट कैपिटल है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा भी है, 43,408 करोड़ ये इसका मार्केट कैपिटल है। नेक्स्ट अगर आप इसकी डेट को देखेंगे यानी कि कर्ज को, तो ये कर्ज है 4,743 करोड़। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है 10.2%, सेल ग्रोथ है 8.7%। और यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, यानी कि 60% है यहाँ पे इनकी प्रमोटर्स की होल्डिंग। अगर आप देखना चाहेंगे कि तो इन्वेस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट कितना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे FI का 15% और DI का 7% इन्वॉल्वमेंट है। अगर हम इसकी चार्ट को यहाँ पे देखेंगे कि इसका चार्ट अपसाइड है या फिर डाउनसाइड है या अप ट्रेंड है, बायोकॉन के हम मंथली चार्ट पे जाएंगे। मंथली चार्ट पे जाने से हमें ये पता चलेगा कि इसका ट्रेंड क्या है, अपसाइड है या डाउनसाइड है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बायोकॉन का जो चार्ट है वो अपसाइड है, तो आपको बस मौका ढूंढना है कि ये शेयर में आप कब एंट्री ले सकते हैं, आपके लिए कौन सा राइट टाइम है इस शेयर में एंट्री लेने के लिए। इसके लिए हम डेली चार्ट पे जाएंगे, वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको ट्रेंड अपसाइड दिखेगा। जब आप इसके डेली चार्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये अब अपसाइड जा रहा है, तो आप अपनी एक एंट्री की पोजीशन बना सकते हैं 344.40 पे, और स्टॉप लॉस रहेगा 314.85 और आपका यहाँ पे टारगेट रहेगा 403.75। नेक्स्ट जो हमारा शेयर है जिसको हम एनालाइज करने वाले हैं वो है अरविंदो फार्मा। इसका मार्केट कैपिटल आप देखेंगे तो इसका भी मार्केट कैपिटल काफ़ी अच्छा है, इसका मार्केट कैपिटल है 42,442 करोड़ और इस कंपनी के ऊपर कर्ज है 4,766 करोड़। इधर प्रमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छी है, 50% से ज़्यादा है, 51%, रिटर्न ऑन इक्विटी 27.5% है। अगर इसके ट्रेंड को आप यहाँ देखेंगे तो इसका ट्रेंड भी अपसाइड है। नेक्स्ट आप अगर इस कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को जानना चाहते हैं तो वो भी यहाँ अवेलेबल है। देखिए प्रॉन्स एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अगर आप कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो वो भी इधर अवेलेबल है। प्रॉफिट एंड लॉस के शीट्स भी हैं। अगर आप कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, कंपाउंड सेल ग्रोथ ये सब देखना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल सकती हैं। इधर बैलेंस शीट भी देख सकते हैं और यहाँ पे आपके पास शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, इंस्टीट्यूशनल्स की होल्डिंग कितनी है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस शेयर में जो इधर DI की होल्डिंग है वो 21.71 है, DI की 15% यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी होल्डिंग है इस शेयर्स में। अगर हम इसको अपने चार्ट पे देखेंगे कि हम शेयर में कहाँ अपने लिए पोजीशन बना सकते हैं कि अभी सही टाइम आया है कि नहीं, इसके आप देख सकते हैं अरविंदो फार्मा में अगर हम मंथली चार्ट में देखेंगे तो देख सकते हैं इसका ट्रेंड अपसाइड है। नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं इस शेयर में अपनी एक पोजीशन बनाना तो आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं 692.80 के आसपास, ये शेयर में आप यहाँ पे अपनी एक पोजीशन बना सकते हैं और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 619.90, टारगेट रहेगा 838.70, ये हो जाएगा आपकी यहाँ पे एक लॉन्ग की पोजीशन। अगर आपको इस शेयर में एंट्री मिल जाती है तो आप अपने स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रिक्ट रहिए, ताकि अगर ये शेयर और नीचे गिर जाए तो आपको ज़्यादा लॉस यहाँ फेस ना करना पड़े। नेक्स्ट जो हमारा शेयर है वो है जैदूश।
वेल ये शेयर में आप देख सकते हैं कि इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 12,000 है, और यहाँ पे अगर इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी को देखेंगे तो वो 6.19 है, सेल ग्रोथ इनका 15.8% है, और यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, इनकी प्रमोटर्स की होल्डिंग है 64.8% है, और यहाँ पे डेट यानी कि कर्ज इनके ऊपर 540 करोड़ है, यानी कि इनके मार्केट कैपिटल से काफ़ी छोटी है। तो आप इस कंपनी को कर्ज मुक्त कंपनी भी कह सकते हैं। अगर आप इसके ट्रेंड को देखेंगे तो इसका ट्रेंड आप देख सकते हैं कि एकदम प्योरली ऊपर की ओर गया हुआ है, ये अपसाइड है। इधर आप कंपनी के प्रॉन्स एंड कॉन्स भी देख सकते हैं कि कंपनी में कौन सी पॉजिटिव चीज़ हो रही है और कौन सी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। अगर आप इधर इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे FII की होल्डिंग है 2% और DII की होल्डिंग है 25%। काफ़ी ज़्यादा इधर DII ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर आप इसको अपने चार्ट में देखेंगे कि आप इसमें कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके लिए हम इसके मंथली चार्ट पे जाएंगे। आप देख सकते हैं ये शेयर एक अप ट्रेंड है, और जो हमने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की हुई है ये एक टाइम पे यहाँ पे ये काफ़ी दिनों तक इसने ट्रेड किया हुआ है, इस लाइन के आसपास आके फिर रिटर्न नीचे, फिर ऊपर जाके फिर रिटर्न ही नीचे आया, यानी कि एक रेसिस्टेंस का काम कर रही थी ये लाइन, फिर इसके ऊपर ये रिटर्न ऊपर गया और इस ग्रीन कैंडल ने इसको यहाँ पे ब्रेक किया हुआ, इसके बाद ये शेयर रिटर्न ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि अब ये सपोर्ट के इसमें कन्वर्ट हो चुका है ये लाइन, तो अब ये प्राइस रिटर्न नीचे आई है, तो आप यहाँ पे अपनी एक लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं, और अपना स्टॉप लॉस ये जो ग्रीन कैंडल है इसके लो को आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। हो सकता है प्राइस अब यहाँ से ऊपर की ओर रिटर्न जाए, अगर प्राइस नीचे आती है तो जो आपका स्टॉप लॉस है वो आपका लॉस वहीं पर कवर हो जाएगा, और क्या होगा इससे आपका लॉस ज़्यादा बनेगा नहीं। तो दोस्तों आपने देखा अभी तक हमने जितने भी शेयर्स देखे हैं उनके मार्केट कैपिटल काफ़ी बढ़े हैं, और ऑलमोस्ट सारी कंपनियां कर्ज मुक्त कंपनियां हैं, और उन शेयर्स में प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, इंस्टीट्यूशनल ने भी काफ़ी बड़ी मात्रा में उधर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनका रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है, सेल ग्रोथ अच्छी है, और सारी शेयर्स अप ट्रेंड है। तो ये सारी एक अच्छी क्वालिटी होती है अच्छे शेयर में इन्वेस्टमेंट करने, और जिन शेयर्स में सारी क्वालिटी होती है वो शेयर्स हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न देती हैं। तो ऐसे शेयर्स में आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकते हैं, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।